Our today's chapter is My Early Home, Abridged Extract from Black Beauty by Anna Sewell. My Early Home हमारा chapter जो है वो short story है, Black Beauty book में से ली गई है और इसका writer कौन है? Anna Sewell. Okay. The writer of our chapter is Anna Sewell. Anna Sewell was an English novelist. English novelist thi wo. She is best known as the author of the 1877 novel Black Beauty, one of the top 10 best-selling novels for children ever written. वो किस लिए जानी जाती हैं? एक नॉवल उन्होंने लिखा था ब्लैक ब्यूटी, जो कि 10 जो टॉप के सेलिंग नॉवल्स हैं उनमें से एक है, बच्चों के नॉवल्स जो हैं. After a childhood injury, she was confined to her house. उन्हें बचपन में ही इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी और अपने घर पे ही कन्फाइन हो गई थी, मतलब घर से निकल नहीं पाती थी वो. एंड गॉट अराउंड लार्जली बाय कैरेज हॉर्स. तो कैसे वो इधर उधर जाती थी? कैरेज हॉर्स में, वो जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें. शी स्पेंट हर लास्ट ईयर्स राइटिंग द चिल्ड्रंस क्लासिक ब्लैक ब्यूटी. उन्होंने अपने लास्ट ईयर डेथ से पहले के साल किस बच्चों की क्लासिक नॉवल जो है ब्लैक ब्यूटी लिखने में लगाए. अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी. फिक्शनल मीन्स विच इज नॉट रियल. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स वो जो ब्लैक ब्यूटी पे ही ये बेस्ड है. ब्लैक ब्यूटी अपने बारे में बताता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है. आप बीती ऑफ अ जेंटल हाइब्रिड हॉर्स, जो कि एक जेंटल और अच्छे नस्ल का घोड़ा है. हर फादर स्टेटेड दैट वन ऑफ हर गोल्स इन राइटिंग वाज टू इंड्यूस काइंडनेस, सिंपथी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस. तो उसके फादर जो राइटर है हमारी, उनके फादर ने बताया कि उनका गोल क्या था लिखने का, ताकि हम सिंपथाइज कर पाए घोड़ों के साथ. जैसा हम ट्रीटमेंट करते हैं घोड़ों के साथ, हम अच्छे से बिहेव करें, दयालुता से, सिंपथी से, और हम समझें उनको, घोड़ों को. ये उनका मेन एम था ये लिखने का, ब्लैक ब्यूटी. बिफोर स्टार्टिंग टू रीड द चैप्टर वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, फर्स्ट इज मीडो. अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास. ग्रास से कवर किया हुआ, कवर्ड एक फील्ड, एक एरिया. ओके, बहुत बड़ा एरिया होता है मीडो, चारगा बोलते हैं इसको. ब्रुक, अ स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी. कोल्ट्स, यंग मेल हॉर्सेस, घोड़े के बच्चे को कोल्ट बोलते हैं. गैलप, टू रन फास्ट, जो घोड़े की तेज चाल होती है उसको कहते हैं गैलप. वाइनिंग, नेड, मेड अ सॉफ्ट हाई साउंड ऑफ अ हॉर्स, वो हिन हिन आना घोड़े का. ट्रॉट, वॉक ऑफ अ हॉर्स, चाल उसकी, घोड़े की चाल, चलना. लॉजिंग, अ प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए जगह, लॉजिंग. बॉक्स, टू हिट, इस लेसन में इसका मतलब है हिट करना, किसी को मारना. माय अर्ली होम. This is a story of a handsome black horse named Black Beauty, who tells about his journey as he is sold from one master to another. The horse shares his feelings about the ways in which humans treat him. Okay? He recalls living happily in a pleasant meadow. ये story My Early Home किसकी है? एक horse की, black horse है वो, जिसका नाम क्या है? Black Beauty. वो हमें बताता है अपना सफर एक से दूसरे मास्टर के पास, जब उसको बेचा जाता है और अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर रहा है कि उसके साथ इंसान कैसा बिहेव करते हैं. और वो अपनी याद करता है टाइम जब वो बहुत खुशी से अपनी मीडो मीन्स चारगा, बहुत अच्छी चारगा में रहता था, जहाँ ग्रीन ग्रास होती है, बहुत हरी ग्रास होती है खाने के लिए एनिमल्स के लिए. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. ये horse अपनी story सुना रहा है, ठीक है?
वो बताता है कि सबसे पहले तो मुझे याद है कि जब मैं एक बड़ी सी मीडो में रहता था, प्लेजेंट मीडो में, मतलब वहाँ बहुत अच्छी ग्रास थी और वहाँ पे एक क्लियर वाटर, साफ पानी का पॉन्ड था। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, और उस मीडो के आसपास क्या थे, शेडी ट्रीज थे एंड रशेज लिखा है, बुशेज होगा आई थिंक, बुशेज एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, और उसके एंड तक क्या थी, बुशेज थी जब वहाँ जहाँ वो खत्म हो रही थी मीडो, और वाटर लिलीज फ्लावर से। एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फर ट्रीज एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रुक ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक, और उसके ऊपर सबसे ऊपर मीडो की क्या था, ग्रोव मीन्स ग्रुप, मतलब बहुत सारे ट्रीज थे, फर ट्रीज। फर ट्रीज वहाँ होते हैं जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं। एंड एट द बॉटम ऑफ और एट द बॉटम, और नीचे क्या था, रनिंग ब्रुक, नदी बहती थी छोटी सी, ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक, और जिसके ऊपर क्या था, एक तीखी, मतलब सीधी वो था किनारा, बैंक मीन्स किनारा। वाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, इन द डे टाइम आई रैन बाय हर साइड एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर। जब मैं यंग था, छोटा बच्चा था, तो मैं अपनी मदर के मिल्क पे ही जिंदा था, दूध ही पीते हैं बच्चे एंड, और वो क्योंकि ग्रास नहीं खा सकता था, और दिन के टाइम पे, इन द डे टाइम आई रैन बाय हर साइड, वो उसके साथ साथ रहता था, एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात को वो उसके पास लेट जाता था, मदर के पास। एज सून एज आई वॉज ओल्ड अनाफ टू ईट ग्रास माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम एंड कम बैक इन द इवनिंग, और जैसे ही वो बड़ा हुआ, मतलब जब वो ग्रास खाने लग गया, उसके बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो उसकी मदर कहाँ जाती थी, काम करने के लिए दिन में, और शाम को वापस आती थी। देयर वर सिक्स यंग गोल्ड्स इन द मीडो बिसाइड्स मी, दे वर ओल्डर देन आई वॉज, कहता है छह और बच्चे थे, गोल्ड कहते हैं घोड़े के बच्चे को इंग्लिश में, और इन द मीडो, और मीडो में मेरे अलावा और छह बच्चे थे, दे वर ओल्डर देन आई वॉज, वो बड़े थे उससे। आई यूज टू रन विद देम, मैं उनके साथ भागता था, एंड हैड ग्रेट फन, मजा आता था बहुत हमें। वी यूज टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, और हम गैलप मीन्स तेजी से भागना, घोड़े की तेज चाल को गैलप कहते हैं, और जितनी तेज हम भाग सकते थे भागते थे। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप, कभी कभी हम रफ प्ले भी करते थे, मतलब गंदी गेम खेलते थे, कि दे वुड फ्रीक्वेंटली, वो काटते थे एक दूसरे को और मारते थे और भागते थे। वन डे व्हेन देयर वॉज अ गुड डील ऑफ किकिंग, माई मदर वाइंड टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड, एक दिन जब वो किकिंग कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तो उसकी मदर ने वी नीड उसको बुलाया टू मी, मतलब उस ने करना है को विनिट करते हैं, आवाज करते हैं जो घोड़े, एंड बुलाया एंड देन शी सेड, और उसने कहा, उसकी मदर ने उसको, ब्लैक ब्यूटी को, जो घोड़ा है ब्लैक वाला, आई विश यू टू पे अटेंशन टू वट आई एम गोइंग टू से टू यू, वो कहती कि मैं आशा करती हूँ कि तुम ध्यान दोगे मैं क्या कहने जा रही हूँ तुमसे। द कोल्ट्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कोल्ट्स, जो घोड़े के बच्चे हैं वो अच्छे हैं सबके सब, बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ट्स, पर वो कार्ट हॉर्स मीन्स घोड़ा गाड़ी खींचते हैं जो बग्गी, वो वाले घोड़े के बच्चे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न्ड मैनर्स, और उनको मैनर्स नहीं है। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज, मैं आशा करती हूँ कि तुम अच्छे बच्चे बनोगे और कभी भी गलत तरीके नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अच्छी इच्छा से काम करो। लिफ्ट योर फीट अप, अपना पैर अच्छे से उठाओ, व्हेन यू ट्रॉट, जब चलते हो, एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और कभी भी खेलते हुए भी आपने कभी किसी को बाइट नहीं करना, काटना नहीं है, और कभी भी किक नहीं करना है।
Now you have heard the first part of the story, okay, and you should know the answers of these questions. First is, who is the speaker of the story? कौन सुना रहा है आपको स्टोरी ये? Next is, what was the name of the black horse? काले वाले घोड़े का क्या नाम था? What is the meaning of meadow? मीडो का क्या मतलब है? How many colts were there in the meadow? कितने colts थे वहाँ पे, घोड़े के बच्चे कितने थे उस मीडो में? Okay, I have never forgotten my mother's advice. I knew she was a wise old horse and our master thought a great deal of her. Her name was Duchess, but he often called her pet. वो कहता है ब्लैक ब्यूटी कि आई हैव नेवर फॉरगॉटन, मैंने कभी भी, कह रहा मैं कभी भी अपनी मदर की जो एडवाइस थी, जो नसीहत उन्होंने दी थी मुझे, मैं कभी भी नहीं भूला. मैं जानता था शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, बहुत समझदार घोड़ा है, घोड़ी है. एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारा मास्टर जो था, मालिक जो था, वो बहुत अच्छा सोचता था मेरी मदर के बारे में. हर नेम वॉज डचेस, उसका नाम क्या था मदर का? डचेस. बट वो उसका मालिक जो था क्या बुलाता था उसे? पेट. आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, ही गेव अस गुड फूड, गुड लॉजिंग एंड kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. हमारा मास्टर जो था, he was very good man, kind man, अच्छा और दयालु इंसान था. वो हमें अच्छा खाना और lodging means रहने की जगह, अच्छी रहने की जगह देता था और हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता था. वो बहुत ही प्यार से बात करता था हमारे साथ, जैसे कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ बात करता था. We were all fond of him and my mother loved him very much. हम बहुत पसंद करते थे उसको और मेरी मदर जो थी उसे बहुत प्यार करती थी. When she saw him at the gate, जब भी वो उसे गेट पर देखती, she would neigh with joy and trot up to him. वो neigh means वो हिन हिन आना, घोड़ा जो है हिन हिन आता है, वो खुशी से हिन हिन आती थी. एंड ट्रॉट अप टू हिम, और पास आ जाती थी उसके. ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वो उसको थपथपाता था उसका मालिक, और थपथपाता था एंड कहता था, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की. और डार्की किसे कहता था? ब्लैक ब्यूटी को, जो उसका कोल्ट था, बच्चा था घोड़े घोड़ी का, डचेस का. तो पेट कहता था कि पेट आप तुम कैसी हो, तुम्हारा डार्की कैसा है, उसका नाम क्या उसने रखा था? डार्की. आई वॉज डल ब्लैक, कहता मैं बहुत काला था, सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे ब्लैक डार्की कहता था. देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, फिर मुझे वो एक ब्रेड का पीस देता है, विच वॉज वेरी गुड, जो बहुत अच्छा था. एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और मेरी मदर के लिए कभी कभी वो गाजर लेके आता था. देयर वॉज अ फार्म बॉय नेम डिक, हु समटाइम्स केम इन टू अवर फील्ड टू प्लक ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेज. एक फार्म बॉय था, कोई खेतों को देखता था वो लड़का, उसका क्या नाम था? डिक. वो कभी कभी आता था उनके फील्ड में ब्लैक बेरीज खाने. हैच मीन्स वो झाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे. वेन ही हैड ईटन ऑल ही वॉन्टेड, ही वुड हैव वट ही कॉल्ड फन विद द कोल्ड्स. जब वो अच्छे से खा लेता जितनी उसने खानी होती, तो फिर वो कोल्ड्स जो छोटे बच्चे थे घोड़ों के, उनके साथ खेलता, थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम टू मेक देम गैलप. उनकी तरफ पत्थर फेंकता छोटे छोटे और स्टिक्स फेंकता ताकि वो भागे वहां से. वी डिड नॉट मच माइंड हिम, हम इतना माइंड नहीं करते थे उसको, बुरा नहीं मानते थे. फॉर वी कुड गैलप ऑफ, बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, क्योंकि हम भाग सकते थे और पर कभी कभी, कहता वो जो स्टोन्स फेंकता था कभी कभी हमें लग जाते थे. वन डे ही वॉज एट दिस गेम एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड. एक दिन फिर वो वही गेम खेल रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उनका जो मास्टर है, जो मालिक है, वो दूसरे फील्ड में है. बट ही वॉज देयर, पर वो वहां था, वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, वो देख रहा था क्या हो रहा था. ओवर द हैज ही जम्प्ड इन अ स्नैप, वो आ गया, उसने वो क्रॉस किया हैज जो साइड पे लगी होती है, लकड़ियों की बनाते हैं ना साइड पे कवर करने के लिए हैज, और कैचिंग डिक बाय द आर्म, उसने उसको पकड़ लिया डिक को आर्म से. ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर, उसने उसके कान पे
बॉक्स मीन्स मारा, तेज ऐसे मारा उसके कान पे कि वो चिल्लाया विद पेन एंड सरप्राइज और हैरानी से, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला उसका मास्टर उनका कब आ गया। एज सून एज वी सॉ द मास्टर वी ट्रॉटेड अप नियर टू सी वॉट वेंट ऑन। जैसे ही हमने मास्टर को देखा अपने मालिक को आते हुए, हम भी वहां आ गए देखने के लिए कि क्या चल क्या रहा है। बैड बॉय ही सेड, उसने कहा गंदा बच्चा, बैड बॉय टू चेज द कोर्स, कि तुम कोर्स का पीछा कर रहे हो हॉर्सेस का, बच्चों का। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम नॉर द सेकेंड बट इट शेल बी द लास्ट, कह रहा है ये पहली या दूसरी बार नहीं है पर ये आखिरी बार है तुम ऐसा कर रहे हो। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, पैसे लो अपने और घर जाओ। आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फॉर्म अगेन, कहता मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फॉर्म पे दोबारा दिखाई दो। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, इसलिए हमने कभी भी डिक को फिर वापस नहीं देखा। ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस वॉज जस्ट एज जेंटल एज अवर मास्टर, सो वी वर वेल ऑफ। ओल्ड डैनियल जो देखभाल करता था घोड़ों की, वो भी उतना ही दयालु था जितना कि उनका मास्टर था, तो हम बहुत वेल्दी थे, हम बहुत अच्छा रहते थे। ये जो लेसन है ये इन्होंने ब्लैक ब्यूटी से लिया है, एना सीवल ने लिखा है ये, और ये उसका पार्ट है। ठीक है, आगे वो बताता है इसके बाद के उसको बेचा गया, कहाँ गया, वो कैसे गया और कैसे लोगों ने उसके साथ बिहेव किया। ब्लैक ब्यूटी अपने बारे में बताता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी, हैव अ गुड डे। नाउ यू हैव रेड द, यू हैव हर्ड द होल स्टोरी, ओके, एंड यू शुड नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द मीडो वेयर ब्लैक ब्यूटी लिव, डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो उस मीडो को जहाँ पे ब्लैक ब्यूटी वो रहता था हॉर्स। हु डिड ब्लैक ब्यूटी प्ले विद, किसके साथ खेलता था ब्लैक ब्यूटी। वट डिड ब्लैक ब्यूटी थिंक ऑफ देयर मास्टर, अपने मास्टर के बारे में क्या सोचता था, कैसा सोचता था। हु वॉज डिक, डिक कौन था। हाउ डिड ही बिहेव विद द कोर्स, कैसे बिहेव करता था वो घोड़े के बच्चों के साथ। यू शुड नो ऑल द आंसर्स, ओके।